कर दूँ तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे आराध्या बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आने वाले टाइम में आप खूब तरक्की करें, पढ़ाई में खूब अच्छा नंबर लेके आए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और खूब सारा। हेलो मौसी, आज मेरा बर्थडे है। गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप रियली कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पुराने हैं तो वीडियो पे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और एक क्यूट सी बेबी का बर्थडे है तो उनको विश ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको व्यू दिखाया कि कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, दो दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा कि जैसे कि हद हो गया है। तो अभी 3:30 या 4 बज रहा है, टाइमिंग मैंने नहीं देखा है बट यही टाइम हो रहा है और इतना तेज़ बारिश हो रहा है। मैं अभी आपको व्यू दिखाऊंगी बाहर का, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि रात हो रहा है और बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, धीरे नहीं हो रहा है, बहुत ही तेज़ हो रहा है। कल से इतना बारिश हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। और बता दूं कि आज मेरे भैया की हल्दी है जो कि शायद बारिश नहीं खुलेगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी। कोई बात नहीं, चलिए वो सब तो बात की बात है, अगर जाएंगे तो दिखाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है ना तो वो काम मेरे से होता नहीं है। तो बस यही सब है आज का। और आज एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ है तो मैं सोची आपके साथ शेयर कर दूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज का। तो बता दूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और ये देखिए कितना प्यारा सा बैठा है। कैसे, हेलो कर दो, सभी को हेलो करो, हेलो हेलो बोल दो, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग बताइएगा कमेंट करके। ये भी पूछ रहे हैं तो आराध्या अगर आप देख रहे हो तो ये देखो आपके लिए गिफ्ट। आराध्या अगर आप देख रहे हो ना तो ये आपके लिए है। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि एक मेरी दीदी हैं, बहुत ही बहुत अच्छी मेरी दीदी हैं, जिनका पहले था क्रांति ब्लॉग राम करके ब्लॉग चैनल था उनको, अगर आप लोग सर्च मारोगे तो इसी नाम से आएगा बट अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया है आर के रियल ब्लॉग। तो आर के रियल ब्लॉग से नहीं आता है उनका सर्च में, क्रांति ब्लॉग राम से ही आता है सर्च अगर आप लोग करेंगे तो। तो प्लीज़ आप लोग उनको चाहिए, सपोर्ट कीजिए। वो मेरे घर के पास में ही रहती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं, उनके दो छोटे छोटे बेटी हैं, फिर भी उनके साथ वो घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, देन उसके बाद वो ब्लॉगिंग भी करती हैं जो कि बहुत ही बहुत मुझे अच्छा लगता है। और मैं उनको उनका कोई भी ब्लॉग मिस नहीं करती हूँ, जैसे अपलोड करती हैं जब भी मुझे मिलता है मैं तुरंत जाके देखती हूँ उनको। जैसे कि मैं भी काम करती हूँ तो कई बार ही आगे पीछे हो जाता है बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनका ब्लॉग मिस ना करूँ और मैं मिस नहीं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको देख के मोटिवेट होती हूँ मैं कि अगर ये दीदी इतना मेहनत करके ब्लॉगिंग कर सकती हैं तो मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि बिजनेस करना और ये घर का काम करना बहुत बड़ी बात होती है। दो दो बच्चों को संभालना, देन उसके बाद से पूरी फैमिली को खुश रखना, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करना बहुत ही बड़ी बात है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनका और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, जो आप हम लोगों को इतना मतलब अच्छा चीज़ दिखाते हो, सब कुछ अपने बारे में बताते हो। मैं चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करो, बहुत अच्छी हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं और बहुत टाइम से वीडियो बना रही हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, पर फिर भी वो खुश रहती हैं उतने में ही। तो अगर आप लोगों में से एक दो लोग भी मेरे कहने से जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज मैं बता दूं, आज उनकी बिटिया है एक छोटी सी, आराध्या नाम है, दो बिटियां हैं उनकी। तो बड़ी वाली बिटिया का कल बर्थडे है तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको विश कर दूं। तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे आराध्या बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आने वाले टाइम में आप खूब तरक्की करें, पढ़ाई में खूब अच्छा नंबर लेके आएँ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और खूब सारा।
जितना खुशियाँ मिले सब आपको मिले, माता रानी करे कि आप हमेशा खुश रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और ताकि लोग ये ना कहें कि उनकी बिटिया ने ये किया है। आप ऐसा काम करो कि वो भी गर्व से कह सके कि हाँ मेरी बिटिया इतना इतना कुछ की है मेरे लिए। तो मैं यही विश करूँगी कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने मम्मी पापा को खुश रखें और खूब सारा प्यार मिले आपको। तो आप लोग भी विश कर दीजिएगा गाइस, आराध्या नाम है बिटिया का। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग विश करें। यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूँगी बाबू का, तो आप लोग देखिएगा कितनी क्यूट है, बहुत अच्छी है। तो आप लोग आई होप कि आप लोग उनको विश करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग विश करेंगे। तो सो चलिए आराध्या जी को आप लोग विश कर दीजिएगा। और क्रांति दीदी, अगर आपको वीडियो मिले तो थैंक यू सो मच कि आप मेरा नाम अपने वीडियो में ली थी। और माता रानी करें कि आप ऐसे ही खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और खूब मेहनत करें। सो बस यही सब था आज का, और मैं चाहूँगी कि आप लोग विश कीजिए उनको, आराध्या को, और खूब पार्टी कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, खूब सारा जितना हो सके उतना खुशियाँ मनाइए। और बस यही सब है आज का ब्लॉग में, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, वो भी ऐड करेंगे। तो सबसे मेन तो यही था कि मैं आराध्या के लिए वीडियो बनाऊं, तो मैंने आराध्या के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था कोई ब्लॉगिंग करने का। बिकॉज कल जो मेरे साथ सीन हुआ है ना, उसके बाद मेरी इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। रात को तो इतना ज़्यादा वोमिटिंग हुआ था, सर में दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया था। तो क्योंकि मैं दिन भर कुछ खाना नहीं खाई थी, मैं इतना खुश थी, मैं तैयार व्यार होने में एक के चक्कर में खाना वाना नहीं खाई थी, और वही मेरे ख्याल से मेरे मतलब गैस बन गया था। देन उसके बाद जब मैं रात को क्या 3-4 बजे मैं कुछ खाई थी, उसके बाद से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो कल मैं पूरे दिन बहुत अपसेट थी, तो इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। आज नहीं मेरा मन था, बट मैं आराध्या बाबू के लिए की हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, चलिए इन्जॉय कीजिए ब्लॉगिंग को, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, और मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पर। सो गाइज़, आप व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कल से बारिश हो रहा है, बस बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, फिर हो जा रहा है। कल 12 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक बारिश हो रहा है, हद है यार। मतलब आधे घंटे के लिए बारिश रुक रहा है, फिर होने लग रहा है, फिर हो रहा है, फिर मतलब कंटिन्यूसली, वो भी धीरे नहीं, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं इतना तेज़ बारिश हो रहा है कि सारा दुकान वगैरह खुला है, बट कोई काम नहीं है। हम लोग भी ऐसे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है। इधर लॉकडाउन ने मारा, अभी ये बारिश इतना परेशानी कर रहा है। तो वही सब दिखा रही हूँ मैं आपको, व्यू देखिए कितना ज़्यादा चारों तरफ पानी पानी, पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है गाइस। अभी आज रात को मेरे भैया की हल्दी भी है, और उसी में देख सकते हैं बिल्कुल बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग जाएंगे शाम को, मतलब रात को हल्दी में, मेरे बड़े पापा के लड़के की हल्दी है, तो वहीं जाना है। तो देखते हैं अगर बारिश सही खुला तो जाएंगे, नहीं तो वहाँ भी कैंसिल ही है, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बारिश इतना तेज़ है कि बाइक से जाते इंसान भीग जाता है। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं थोड़ी। सो गाइस, अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए मैं छाता लगा के आई हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, 8 बज गया है शाम के। सो चलिए अभी घर पे पहुँच के फिर मिलती हूँ। सो गाइस, मैं घर पे आ गई हूँ और दिखाती हूँ आपको बारिश, ये देखिए अभी भी बारिश हो ही रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, वो देखिए अभी भी बारिश हो रहा है। देन मैंने सोचा कि अभी मैं फ्रेश होंगी, नहाऊंगी, देन उसके बाद मैं कोई काम करूंगी, और घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग शादी में गए हैं हल्दी में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी कल प्यारा सा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, उस बच्ची को प्लीज़ आप लोग विश कर दीजिएगा, राध्या को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए बाय, हैप्पी मॉनसून, बारिश का मौसम है, पकौड़े बनाइए घर पे, एंजॉय कीजिए, बाय।